अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और बहू शादी के 12 साल बाद एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ट्रंप के बेटे और बहू ने कोर्ट में अलग दोनों की अर्जी दायर की है। दोनों की ओर से एक साझा बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, शादी के 12 साल बाद हमने अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया। हमारे मन में हमेशा एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के परिवार के लिए सम्मान बना रहेगा। हमारे पास खूबसूरत बच्चे हैं और वे हमेशा हमारी शीर्ष प्राथमिकता रहेंगे। हम इस समय हमारी निजता का सम्मान बनाए रखने की अपील करते हैं। एक अमेरिकन अखबार के अनुसार वेनेसा ने गुरुवार को एक निर्विरोध तलाक की अर्जी दायर की है, जिसका मतलब ये है कि वह अपने बच्चों की कस्टडी या संपत्ति को लेकर कोई कानूनी लड़ाई की उम्मीद नहीं कर रही है। बता दें कि ट्रंप ने ही एक फैशन शो में अपने बेटे और वेनेसा की मुलाकात कराई थी। दोनों साल 2005 में शादी के बंधन में बंधे थे।